हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई? सभी को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का भाई आपके अपने करियर लैब पर। और मैं चरक वर्मा, और मेरे साथ है भाई राइट में मेरे भरत सर और लेफ्ट में जीत राणा सर। हम सभी लोग आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं, और फटाफट से जुड़ जाओ और इस वीडियो को जितना हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में जहाँ शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, लाइव ठोक दो। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा भाई थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि हम तीनों आप लोगों को क्या जानकारी देने के लिए आए हैं। जानकारी ये है कि आने वाले वर्ष में, जिसको भाई नौकरियों वाला साल कह रहे हैं, तो 2024 में ही आप लोगों के लिए आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो वैकेंसी आने वाली है, और ये लगभग लगभग मैं कहूँ तो भाई 10,000 वैकेंसीज के पास होने वाली है। जो वैकेंसी रेलवे में कांस्टेबल की भी होंगी, रेलवे में सब इंस्पेक्टर की भी होंगी, और अदर पोस्ट की भी बात करूँ तो सारी पोस्ट मिलाकर लगभग 12,000 वैकेंसी है। पर हमारा फोकस रहेगा रेलवे में कांस्टेबल को लेकर और रेलवे में सब इंस्पेक्टर को लेकर। तो फटाफट से अगले महीने ही हम आपके लिए तैयारी कर रहे हैं सर। अब आप कहेंगे कि जब वैकेंसी नहीं आई है तो सर आप तीनों लोग क्या करने आ गए हैं? भाई तीनों लोग हम इसलिए आए हैं क्योंकि भाई जब वैकेंसी आएगी तो उसकी तैयारी करने के लिए आपके पास समय कम होगा, क्योंकि वैकेंसी आएगी तुरता फुर्ती में, जल्दी से 2-3 महीने के अंदर पेपर आएगा और फिर आप कहेंगे सर हमें तो समय ही नहीं मिला है तैयारी करने के लिए। तो समय से पहले ही तैयारी करना एक सूझबूझ वाला काम रहेगा, और इसी समझदारी को दिखाते हुए हम तीनों लोग आप लोगों के साथ जुड़े हैं ताकि बच्चों को गाइड कर दे कि पेपर में क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, कैसे स्ट्रेटजी रहेगी, क्या क्या आपको पढ़ना है, ताकि एक सटीक मार्गदर्शन में आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि हमारा पहला मोटिव होता है सिलेक्शन लेना। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा पढ़ने का मोटिव आर्यभट्ट बनना नहीं, सिलेक्शन लेना है। तो इसी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ने ही पढ़ाने की बात करेंगे। अब जैसे मेरे पीछे आप भाई पोस्टर भी देख रहे हैं भाई कि एग्जाम कब हो सकता है, सिलेबस कब हो सकता है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, इस पर जीत राणा सर और भारत सर भी आपको गाइड करने वाले हैं। पर मैं एक छोटी सी बात कहने वाला हूं, जो बच्चा किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो यूपी पुलिस की कर रहा है, चाहे हरियाणा पुलिस की कर रहा है, चाहे दिल्ली पुलिस की कर रहा है, चाहे बिहार पुलिस की भी कर रहा है, तो वो सेम तैयारी आपकी रेलवे में भी चलने वाली है। सिर्फ रेलवे में कुछ फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है भाई? अगर आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देते हैं कॉन्स्टेबल लेवल का, तो भाई उसमें 12वीं पास चाहिए। पर रेलवे पुलिस फोर्स एक ऐसी फोर्स है जहां सिर्फ आपको 10th पास में सिलेक्शन मिल जाएगा। दूसरी बात, हाइट की बात करूं तो हर एक कांस्टेबल के एग्जाम में 170 सेंटीमीटर हाइट होती है, और सिर्फ आरपीएफ की बात करूं तो 165 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी से है चाहे ओबीसी से है, है ना। और बाकी की बात, अब एग्जाम स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी, कैसे पेपर की तैयारी करेंगे, क्या क्या सिलेबस में आने वाला है, वो आपको जीत राणा सर बताएंगे, फिर भारत सर बताएंगे, फिर हम तीनों एक साथ मिलकर फिर आपसे डिस्कस करेंगे। तो एक बार जीत राणा सर, लो सर। नमस्ते भाई, कैसे हो आप सभी? देखो बात यह है कि रेलवे की जो वैकेंसी है काफ़ी लंबे समय से ऐसा लग रहा है कि मतलब अब आने वाली हैं, लेकिन बात यही है कि अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं करेंगे तो बाद में जाके आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बाद में जाके आपको दिक्कत हो सकती है, तो एकदम से पेपर आ जाएगा, आप तैयारी कर ही नहीं पाओगे, फिर कहो सर हमें तो समय ही नहीं मिला। पुरानी चीजों से सब सीखना भी चाहिए, अभी देखो जीडी फॉर्म निकला सर मुश्किल से 2 महीने, उसके बाद में यूपी पुलिस आप देख रहे हो सर उसकी डेट एकदम सर पर लाके रख दी है, और वो हो भी जाएगा, ज्यादा डिले नहीं होगा सर। मेरे को लगता है अगर फरवरी में नहीं तो मार्च और अप्रैल में होना है वो। और भाई आपको पता है ये चुनावी ईयर है, चीजें जरूर आएंगी, और फिर आते ही तुरंत क्या होना है उन चीजों में, एग्जाम बहुत जल्दी से होने हैं, तो आप अभी से तैयार रहें। ठीक है जी, देखो अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं करोगे ना, तो जब एग्जाम आ जाएगा फिर ये कहोगे सर तैयारी के लिए टाइम नहीं मिला, तो वो चीज आपके साथ ना हो। ठीक है, अभी से आप अगर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देंगे, लेकिन सबसे जरूरी पॉइंट जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने के लिए आए थे, वो बेसिकली इसका एग्जाम कब हो सकता है, तो भाई जनवरी और फेब के बीच में शायद इसके फॉर्म जो निकल जाएंगे, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह मतलब काफी सारे न्यूज पेपर है जो इस तरीके की जो बातें हैं कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो तकरीबन अप्रैल महीने के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ये मत कहना कि सर एग्जाम आया नहीं, आप पहले ही बैच वगैरह ये सब चीज, देखो तैयारी अगर करनी है तो वो अभी से होगी। ऐसा आप में से कौन बच्चा है जो वर्दी पहनकर पैदा हुआ था? कोई नहीं हुआ ना, जो सिलेक्ट हो गए वो भी नहीं हुए। तो तैयारी के लिए एक टाइम लगा है, और वो जो टाइम लगा है वो ही दर्शाता है कि आपकी मेहनत भी है। आज से मेहनत करना शुरू करोगे, उसी के बाद धीरे धीरे चीजें आपके पक्ष में होंगी, और जब चीजें आपके पक्ष में होंगी तो उसके बाद सब चीज ही आपके पक्ष में हो जाएंगी। बात को हल्का सा ये समझना कि आज की क्लास में हम 3-4 चीज बताएंगे, एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या रहेगा, स्ट्रेटजी क्या आपके लिए बेस्ट रहनी चाहिए, याद रखिए।
है ना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप कोर्स बेचने के लिए आते, तो मैं ये कमेंट पढ़ता हूँ तो मेरे को बहुत दुख भी होता है, पर ये कोर्स बेचना नहीं है भाई, ये आपकी जिंदगी संवारना है, क्योंकि हमारे कोर्स बेचने से आपका पेपर पास हो जाएगा ना, तो ये मान लो पूरी जिंदगी आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, घर में रोजगार आ जाएगा, सरकारी नौकरी आ जाएगी, तो ये कोर्स बेचना नहीं है, ये आपका सिलेक्शन है भाई, और समय रहते अगर तैयारी कर लोगे तो जिंदगी संवर जाएगी, आपकी नहीं आपकी कई जनरेशन, आपके साथ आपके माँ बाप की भी और आने वाली जनरेशन भी सुधर जाएगी, तो ये कोर्स नहीं है भाई, ये आपकी जिंदगी है ना। चलो आगे भारत सर आपको बताने वाले, और जीत राणा सर एक बार देखो मेरे भाई जो वैकेंसी है ना वो आपकी लगभग 10,000 आने वाली है, जिसमें कॉन्स्टेबल प्लस SI रहेगा RPF में ना, और देखो बहुत लंबे टाइम से वैकेंसी नहीं आई है, तो आपको पता है जैसे कि रेलवे में बहुत सारे पद खाली हैं, तो जिसमें RPF के भी लगभग 10,000 के समथिंग पद खाली हैं जहां वैकेंसी आने वाली है, तो वो वैकेंसी कब आएंगी इसमें सिर्फ एक अंदाजा है जो हम बता सकते हैं। देखो आपको भी पता है यूपी पुलिस का लोग गाते रहे 2 सालों से अब आ रहा है अब आ रहा है अब आ रहा है, और एकदम अचानक से आ गया ना, तो हम इतना बता सकते हैं कि भाई आना तो तय है, ठीक है आज आए कल आए अगले महीने में आए। अब क्या है ना जो हमारे से बच्चे यूपी पुलिस वाले पढ़ रहे हैं ना सर वो क्या बोलने लग रहे हैं, सर 1 महीने में करा दो खत्म। अच्छा मान लो हम तो खत्म करा देंगे यार, 6-6 घंटे पढ़ा लेंगे 7-7 घंटे पढ़ा लेंगे, लेकिन क्या आप उतने सबको पचा भी पाओगे, और पचा पाओगे तो क्या एग्जाम हॉल में वो सब आप उतनी इफिशियंसी के साथ कर पाओगे जितना वो बच्चा करेगा जिसने पहले से तैयारी पूरी की हुई है और वो रिविजन कर रहा है अभी, नहीं ना। तो एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, रिविजन करने के लिए। तो हम लोग एक ना आगा करने आए हैं आपको कि भाई आने वाली है वैकेंसी, और वो कब तक आ सकती है उस पर एक सर हमारा एक ये रहेगा कि हमें लग रहा है एक मोटा मोटा जो है हमारा जो ऐसा मानना है कि जैसे न्यूज़पेपर वगैरह काफी सारी चीजें हैं तो उसके रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले ना इसमें अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आपका भी टाइम बहुत कीमती है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू भाई, ये जो खबर है ना सूत्रों के हवाले से खबर है, और सूत्रों का आप समझते ठीक है ना, कभी आप सोचो सर कहां से वैकेंसी आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है, और सूत्र आप जानते हैं कैसे खतरनाक होते हैं। बिल्कुल भाई, देखो इसके अंदर ना कुछ चीजें हैं कि जैसे अप्लाई डेट जनवरी के अंदर मैंने लिखवा दिया है कि भाई जनवरी के अंदर जो डेट आपकी हो सकती है, ये मत कहना अच्छा जी डेट पता है तो भाई हो सकती है, भाई ये कहने वाले कि नाम बदल देना, नाम बदल देना, देखो ये नहीं है कि तो समझ लो थोड़ा सा। इसके लिए एजुकेशन के क्राइटेरिया देखो, जो कांस्टेबल पोस्ट रहेगी उसके अंदर 10th रहने वाला है, और कुछ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी आने वाली है, उसके अंदर आपको जो बैच वगैरह हमारा देखने को मिलेगा सब इंस्पेक्टर के लिए कांस्टेबल के लिए, उसके लिए ग्रेजुएशन जो है आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, वैकेंसी के लिए बता चुका हूं भाई, और एज जो है 18 से लेके 25 के बीच में रहेगी, ये चीज आपको भी पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो भाई देख लो ठीक है, और जो बच्चे ओवर एज होने की कगार पर बैठे हैं वो तो बिल्कुल किसी तरीके का रिस्क लेना ही मत ठीक है। इसके बाद अगली जो चीजें हैं, जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहने वाली है, सैलरी भाई सबसे तगड़ा मोटिवेशन तो यही होता है, स्टार्टिंग 26,000 से लेकर 32,000 के बीच में हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर पहले CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, PMT होगा ठीक है, यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, आपकी हाइट वगैरह कितनी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, चरक सर डिस्कशन करेंगे, भरत सर डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद जो है एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम के पैटर्न के ऊपर आपको बहुत मतलब डिटेल्ड एक डिस्कशन आपको भरत सर की तरफ से देखने को मिलेगा, एग्जाम पैटर्न के बारे में सर थोड़ा बताइए जरा रीजनिंग वगैरह। देखो मेरे यहाँ भाई यहाँ क्या है ना GS का एक थोड़ा सा रोल ज्यादा है आपको पता है ना ठीक है ना भाई, और GS में इसमें 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद में 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मेरे भाई मैथ में ना ठीक है, और 35 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे किसमें रीजनिंग में। जो GS का पोर्शन है इसमें GK और GS दोनों मिलाकर 50 क्वेश्चन है, जिसमें साइंस के 20 क्वेश्चन हैं और 30 क्वेश्चन बाकी आपके हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी वगैरह से रहेंगे ठीक है भाई। तो ये तो आपका हो गया, अगर मैं बोलूं यहां से आने वाले हैं कितने क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन, और यहां से मैथ से आपके 35 और यहां से आपके 35 ठीक है भाई, ये टोटल आपके 120 क्वेश्चन होने वाले हैं, और इन 120 क्वेश्चन को करने के लिए जो आपको टाइम मिलेगा भाई वो 90 मिनट का मिलेगा, तो इसका मतलब है समझ रहे हो ना कि आपको एक बेस्ट अप्रोच से चीजों को करना सीखना होगा, जिससे कि कम से कम समय में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, जो कि मैं बोलता भी हूं भाई। देखो यार पढ़ना सिर्फ सीखना नहीं होता, समय के अंदर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें यह सीखना होता है, एग्जाम सिर्फ नॉलेज से नहीं निकल रहे हैं आजकल, नॉलेज प्लस स्किल, तो अप्रोच क्या रहेगी उस पर भी आपको वर्क करना होगा ठीक है भाई, और सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव ही रहने वाले हैं इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा एक और चीज, नेगेटिव मार्किंग को लेकर आप लोगों को बड़ा ही डाउट रहता है सर किस एग्जाम में है किसमें नहीं, तो इसमें है, और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग यहां रहने वाला है,
बाकी जो फिजिकल बातें रहेंगी इसमें क्या है वो चरक सर आपके साथ में साझा करेंगे सारी चीजें, तो आप लोग बड़े ध्यान से सारी चीजों को समझो और नोट डाउन कर लो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिजिकल की बात करें ना भाई, कांस्टेबल की बात करूं तो 170 सेंटीमीटर हाइट होती है सर, पर अगर रेलवे की बात करूं तो 165 सेंटीमीटर, यानी कि जो बच्चा बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस में 1-2 सेंटीमीटर हाइट की वजह से रह जाता है, हाइट पूरी नहीं होती, पर भाई उसका सपना खाकी पहनने का है, तो वो खाकी पहनने का सपना आपका रेलवे पूरा करेगा, क्योंकि हाइट 165 सेंटीमीटर, अदर स्टेट्स किसी भी पुलिस एग्जाम किसी भी खाकी की बात करूं 170 सेंटीमीटर, पर यहां 165 सेंटीमीटर, यानी कि अगर आप स्टेट में पुलिस का एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, खाकी पहनने का सपना पूरा नहीं है, तो भाई यहां खाकी पहनने का सपना पूरा हो जाएगा। और कई बच्चे सोच रहे हैं सर बैच कब आएगा, भाई अगले ही महीने यानी कि जनवरी 2024 में हम बैच भी लॉन्च कर देंगे। बच्चे पूछ रहे हैं फीस, मिनिमम फीस जितना पॉसिबल हो पाएगा आप सभी लोगों के लिए हम मिनिमम फीस पर ये सारा खेल करने वाले हैं। रेस की बात करूं तो भाई 1600 मीटर किसी भी पेपर की बात करें फिजिकल में तो 1600 मीटर की रेस होती है, क्योंकि यहाँ मैं टाइमिंग नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सिपाही के लिए अलग रहेगी, एसआई के लिए अलग रहेगी, महिलाओं के लिए अलग रहेगी, ठीक है। तो 1600 मीटर की रेस रहती है, महिलाओं के लिए 800 मीटर रहती है, ठीक है। तो टाइमिंग फिक्स नहीं है क्योंकि अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग है, तो उस पर बात नहीं करूंगा, पर हाइट की बात करूं तो 165 सेंटीमीटर आप भर देंगे। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12वीं पास नहीं है भाई, सिपाही के लिए आपको 10वीं पास है, एसआई के लिए ग्रेजुएशन रहेगी। ये बैच टारगेट हमारा सिपाही को लेकर और सब इंस्पेक्टर दोनों को लेकर रहने वाला है। जनरल पेपर भी इसमें चलेगा कि अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड से, जैसे भाई रेलवे में अलग अलग कैटेगरीज या एमटीएस की पोस्ट भी निकलती है, वो कैटेगरी वाइज बांट देते हैं बेसिकली, जैसे दिल्ली पुलिस में बांटते हैं, वो कैटेगरी वाइज भी रहेगा, तो जनरल आपका पूरा काम आने वाला है, ठीक है। तो भाई डरना नहीं है, तैयारी करनी है और मजे से पढ़ना है, क्योंकि अगर समय रहते पढ़ोगे ना तो मजे से पढ़ भी जाओगे और तैयारी भी हो जाएगी, पर हड़बड़ाहट में काम करोगे तो काम खराब हो जाएगा और जल्दी जल्दी में भाई पढ़ भी नहीं पाओगे, सिर्फ फिर ये सोचते हो भाई कोर्स भी लिया और पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो तैयारी करनी है और हाँ और क्या सर, मन से लगे रहना भाई, और आपको पता है टीम एकदम मजे से आपके साथ मेहनत कराने के लिए तैयार है, जोश के साथ में, तो आप लोग भी अपने अंदर कम से कम ना खुद को जगा लो। अब ये वेट नहीं करना है कि नोटिफिकेशन आएगा तब लगेंगे, नोटिफिकेशन आने के बाद जो तैयारी करता है वो समझो फिर अगली वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, उसकी तो नहीं कर रहा। और एक बात और कहना चाहूंगा सर, एज की बच्चे बात कर रहे हैं कि एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, भाई अब तक जितनी भी वैकेंसी निकल रही है सब में एज की छूट मिल रही है। अभी हाल ही में आपने यूपी पुलिस में भी देखा, इससे पहले एसएससी जीडी में भी 2 साल की छूट मिली थी, तो अगर कोई बच्चा 1-2 साल ऊपर भी हो गया ना तो टेंशन फ्री रहना भाई, एज की रिलैक्सेशन केंद्र सरकार दे रही है, रेलवे भी आपका केंद्र सरकार का ही विभाग है, हर एक डिपार्टमेंट, जब स्टेट गवर्नमेंट एज में रिलैक्सेशन दे रही है, एज रिलैक्सेशन का कारण क्या है, एक तो रेलवे में वैकेंसी नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा कारण है 3 साल जो ये कोविड वाला खराब हुआ है उसको देखते हुए भाई हर एक एग्जाम में छूट दी जा रही है। तो जो बच्चा अभी भी 6 महीने ज्यादा हो गया, 1 साल ज्यादा हो गया, 2 साल ज्यादा हो गया, तो तैयारी करना कभी सोचो जी छूट में नहीं आएगी, छूट 100% मिलने वाली है। यूपी पुलिस का एग्जाम्पल आप सभी लोगों के सामने है, जेडी का एग्जाम्पल आप सभी लोगों के सामने है, सीपीओ का एग्जाम्पल सभी लोगों के सामने है, तो एज रिलैक्सेशन मिनिमम 2-3 साल की मिलने वाली है भाई। अभी तो आप जान मांग लो वो दे देगी गवर्नमेंट, और 24 का इलेक्शन है भाई, यूपी में भी इलेक्शन है, आपने देख लिया केंद्र सरकार का भी इलेक्शन है, दिल्ली सरकार का, यूपी में भाई मतलब 24 में तो मान लो नौ की बारिश होने वाली है, अब ये देख लो भाई किसने तैयारी करनी है और किसने सिर्फ बातें ही बनानी है। यूपी पुलिस एग्जाम डेट पर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर, थोड़ा बताओ उनको कुछ। एग्जाम डेट अभी भाई जल्दी से जल्दी फिक्स हो जाएगी, कोई ये फिक्स नहीं होता एग्जाम डेट, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यूपी पुलिस के अंदर डेट वगैरह बहुत सारे हैं, आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग 11 फेब भी बता रहे हैं, 18 फेब भी बता रहे हैं, तो अभी कोई फिक्स नहीं है यार। अब से पहले अभी 2 सेशन लिए थे, उसमें बताया मैंने कि अभी यूपी पुलिस की डेट बच्चे फिक्स है नहीं है, लेकिन वही है कि जल्दी से जल्दी फिक्स शायद हो जाए तो वो आपको देखने को मिल जाएगी कि फिक्स हो गई है, तब हमारे भाई हाइट है 165 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आपको पहले ही बता देंगे हाँ भाई हाँ जी इतनी हाइट रहेगी, मतलब इतना जो डेट है वो रहेगी, तो ऐसे नहीं रखा जाएगा, डेट आपको बताया जाएगा लेकिन अभी नहीं। हाइट मेरे भाई सर ने अभी बताई थी आपको, और वो बालक जो भाई ये होता है ना कि फॉर्म निकलने के बाद पढ़ेंगे, एग्जाम डेट आने के बाद पढ़ेंगे, भाई मेरे कुछ कहना नहीं चाहूंगा पर आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ, ऐसे कभी तैयारी नहीं होती है कि एग्जाम निकल देंगे सर मैं फॉर्म भर दूंगा फिर मैं तैयारी करनी शुरू कर दूंगा, भाई 2-3 महीने में नहीं तैयारी हो पाती है, एक प्रॉपर पैटर्न के साथ पहले पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे तब पेपर निकलेगा, है ना, कि आज फॉर्म निकलेंगे सर मैं तब कोर्स लूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब सब शांत है ना जब तुम्हें तैयारी करनी है ये मान के चलो, और तभी आपका सिलेक्शन निकलेगा, ठीक है।
देखो वैकेंसी कब तक आएंगी उस पर हमने मोटा मोटा बस एक अंदाजा लगाया है कि जिस हिसाब से वैकेंसी अभी आने लग रही है उसका रीजन सीधे सीधे यार इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है, 2024 में आने वाले चुनाव है, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट, और रेलवे एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाला डिपार्टमेंट है, तो जब स्टेट गवर्नमेंट पर इफेक्ट पड़ता है चुनावों का तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी पक्का पड़ेगा, और वो अपने अंडर आने वाले हर डिपार्टमेंट में 100% जितना मैक्सिमम हो सकता है उतनी वैकेंसी निकालने की कोशिश करेगी, और निकालेगी वो भी चुनावों से बिल्कुल पहले, ठीक है। तो एग्जाम हो जाएगा आपका, मैक्सिमम कोशिश ये रहेगी सर इनकी कि चुनावों से पहले एग्जाम भी करा दें। तो हमारा अंदाजा ये है कि जनवरी या मैक्सिमम फरवरी तक नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है जी। चलिए, तो बाकी सर ने आपको बताया है, जो लोग आप मेहनत से पढ़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, नेक्स्ट मंथ हम उसको टारगेट करते हुए एक बैच भी लेके आ रहे हैं। बाकी आपका काम है भाई जुड़ना, और एक जिम्मेवारी हमारे ऊपर छोड़ देने की, सर आप चाहे प्यार से मार के डांट के कैसे भी पढ़ाओ हमें पढ़ना है, तो भाई सिलेक्शन भी होएगा और टेंशन फ्री भी रहेंगे, ठीक है ना? ठीक है भाई, चलिए नमस्कार आपसे अगली वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें और घर पर रहें भाई, ठंड हो रखी है बार बार। हाँ भाई, अरे बिल्कुल पूरी तरीके से सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, और आप सभी से एक बार फिर से मुलाकात होगी क्लासेस के अंदर, ठीक है। रोम रोम, ठीक है भाई, नमस्कार।